नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। किसी जमाने में यूपी के पूर्वांचल को माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 6 सालों से जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, तब से इन माफियाओं, बाहुबलियों और गैंगस्टरों की ऐसी सामत आई है कि किसी को सिर छिपाने के लिए आशियाना नहीं मिल रहा है। प्रदेश के गुंडे माफियाओं की संपत्तियां ताश के पत्तों की तरह ढहा दी जा रही हैं। मुख्तार अंसारी हो या आतिक अहमद, बदन सिंह बद्दो हो या फिर विकास दुबे, इन माफियाओं पर लगातार नकेल कसे जा रही है। योगी बाबा के बुलडोजर का खौफ प्रदेश में तो इतना है कि कई गुंडे अपने आप ही तख्ती बैनर लेकर थाने पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें मारना मत, हम आ गए, जेल में डाल दो। तो कई बुलडोजर के डर से अपना घर खुद ही बुलडोजर से गिरा दे रहे हैं। मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। गैंगस्टरों के ऊपर कार्यवाही की इस कड़ी में अब यूपी के एक और बाहुबली और उसके परिवार की सामत आ चुकी है। नाम है आतिक अहमद। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। किसी जमाने में इलाहाबाद में उसके अपराध की तूती बोला करती थी। जेल में बैठकर वो चुनाव जीतता था। उसका खौफ इतना था कि यूपी की कोई जेल उसे अपने यहाँ रखने से डरती थी। आज आलम ये हो चुका है, वो जेल में बंद है, लेकिन उसके परिवार वाले पुलिस प्रशासन से भागते फिर रहे हैं। साबरमती जेल में बंद माफिया आतिक अहमद की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं। अब आतिक अहमद पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उसके अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसेगी। ईडी ने माफिया आतिक अहमद की दर्जन भर संपत्तियां चिन्हित की हैं। ये संपत्तियां प्रयागराज के साथ साथ अन्य जिलों में हैं। ईडी चिन्हित संपत्तियों को जल्द अटैच कर सकती है। माफिया आतिक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत ईडी अब बड़ी कार्रवाई करने के विचार में है। इससे पहले भी ईडी ने माफिया की कई संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पूर्व विधायक और माफिया आतिक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को स्थायी रूप से कुर्क किया था। जांच के दौरान ये मालूम चला था कि आतिक अहमद द्वारा आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कमाए गए पैसे को और उनके रिश्तेदार के कई बैंक खातों में जमा कराया गया था। ईडी के मुताबिक उनके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं। इन निधियों का उपयोग उनके पत्नी के नाम पर सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर भूमि संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया गया था। इसके अलावा यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी आतिक अहमद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत आतिक अहमद की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। तो दूसरी तरफ यूपी की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स माफिया आतिक अहमद के दोनों बेटों के तलाश में सक्रिय हो चुकी है। आतिक अहमद के करीबियों और रिश्तेदारों पर लगातार नजर रखी जा रही है। 2 लाख के इनामी उमर और 50,000 के इनामी अली की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है। दरअसल ईद के मौके पर आतिक के दोनों इनामी बेटों के शहर में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ की टीमें संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थी। फिलहाल आतिक अहमद के बेटे अभी एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़े हैं और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। टीम BDF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।